नमस्कार, आज मैं बनाने वाली हूँ पिज्ज़ा बेस। तो उसके लिए मैंने एक कटोरा मैदा लिया है, ये 4 चम्मच सूजी लिया है, डेढ़ चम्मच चीनी लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है। अब थोड़ा सा इसमें तेल डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा इनो डालेंगे। मैंने इसमें 1 चम्मच 1.5 चम्मच इनो डाला है। आटे को अच्छी तरीके से हम गुनगुने पानी से हम इसको सान लेंगे, डो बना लेंगे। मैंने गर्म पानी लिया है तो हम गर्म पानी से ही इसका डो बनाएंगे। मैंने 5 चम्मच पानी लेके मैंने डो को भून लिया और हल्का हल्का तेल लेके इसमें हम इसको अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। डो को हम 1 घंटे के लिए ढक के रख देते हैं। अब मैंने 1 घंटे के लिए आटा को छोड़ दिया है, सेट हो गया और अच्छी तरह से थोड़ा सूखा आटा डाल के तो हम घूम लेते हैं। अच्छी तरीके से हम भून लेते हैं सूखा आटा डाल के। अब इसको हम 2 अलग अलग लोई बनाएंगे और हम 2 इसमें बनाएंगे। इसे हम कट कर लेते हैं। इसको देखिए मैंने मोटा बेल लिया है। अब इसको फक के सहारे से हम हर जगह छेद कर देंगे। मैं इसी तरह सारे में छेद कर ले रही हूँ। तो मैंने पलट दिया है कि दोनों तरफ से ये पककर तैयार हो जाए। पिज्जा बेस हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए एक एक इसका अंदर का फक से मैंने छेद किया था तो अच्छी। हाफ पकाना है, पूरा नहीं पकाना है, नहीं तो रोटी के जैसा हो जाएगा। और तो ऑलरेडी ये पकेगा ही जब सारा स्टफिंग करके हम तैयार करेंगे। तो ये मैं टमाटर केचप पिज्जा केचप पास्ता सॉस इसमें मैं लगा दे रही हूँ। उठकर का कंपनी का है, बहुत अच्छा होता है, इसी कंपनी से आप ले। मैं अच्छी तरीके से इसको मिला लिया, कद्दूकस कर लिया था। और मैं सबसे पहले इसको हम हर जगह फैला देती हूँ। मैं हर जगह इसको फैला दे रही हूँ। जो मैं सब्जी काट के रखा था उसको भी इसमें हम रख देते हैं। आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं इसमें। ऐसा लग रहा है ना कि ये मिनी पिज्ज़ा है। अब इस पर हम थोड़ा सा
चीज़ डालेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। हम इसमें चिली फ्लेक्स डाल दे रहे हैं। आपको पसंद नहीं है तो आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप ना डालें तो अच्छा है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। थोड़ा सा हम इसके ऊपर नमक डाल देते हैं। अब इसको हम तवा पे अच्छी तरीके से कढ़ाई में कढ़ाई डाल दिया है। इसके ऊपर हम कुछ ऊंचा साइज का रख देते हैं, इससे हमारा पिज्जा नीचे से नहीं जलेगा। इसके ऊपर मैं ऐसे रख देती हूँ और इसको मैं ढक देती हूँ। अब इसको हम 5 मिनट के लिए पकने देती हूँ। ये देखिए पिज्जा बनकर हमारा घर में तैयार है। तो लॉकडाउन में बैठे बैठे मन करता है कुछ खाने का, रेस्टोरेंट भी बंद है, सब दुकानें भी बंद है, तो मैंने आज मैदे का बेस बनाया और पिज्जा बनाया है। तो आप इसी तरह बनाइए सेम और खाइए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।